Hey guys, welcome back to our channel. I'm Pratiksha. And I am Prakriti. And today we are going to have a very, very fun challenge video. Just me over, bahut zyada chill and hum zyada stress nahi lene wale. Kyunki hum aapke liye leke aaye hain fir se bahut hi interesting sa challenge. Aur ye challenge hai guess the hook step challenge. जहाँ पे बजेंगे कुछ गाने एंड हम लोगों को गेस करना है कि इसका क्या हुक स्टेप है. जो सबसे पहले अपने स्टिमुलस को रिएक्ट करके फटाफट से हुक स्टेप बताएगा उसको मिल जाएगा पॉइंट. एंड मैं पहले बता दूँ, आई एम रियली बैड विद द हुक स्टेप्स. मतलब हाँ, मैं अपने टाइप का डांस करती हूँ, मैं कभी कॉपी नहीं करती. तो मुझे थोड़ा गेस करना, मैंने इसको पहले ही बोला था यार ये चैलेंज वीडियो बहुत टफ होने वाला है मेरे लिए. एंड शी सेड कोई बात नहीं, मजे के लिए कर रहे हैं. सो या वी होप कि आप लोगों को भी इसमें इतना ही इक्वली मजा आए जितना हम लोगों को आएगा. सो लेट्स गो अहेड. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग. I got the first point. Kyunki ye tha rentan 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 wala. Okay, so moving on to the next song. कौन गेस करता है. क्योंकि मुझे बहुत ऐसे वो फील हो रहा था कि मतलब गिल्टी नहीं, मुझे ये फील हो रहा था कि क्या गेस पे गए थे कि मुझे तो कोई हुक स्टेप आता नहीं है और एक गेस पे गेस कर जा रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा कोई पॉइंट. चलो फाइनली आई एम नॉट रिलीव. मतलब इसको ये गाना भी मुझे पता था पर इसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग गया कि कौन सा गाना है. दैट्स द मेन चैलेंज ना कि प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम वो हो जाती है. या सो स्कोर इज 3 एंड 2. या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग. ये देखो म्यूजिक से ही मुझे पता चल जाता है कि क्या. तो मुझे भी पता था यार, हुक स्टेप नहीं आ रहा था. तो क्या ये डिस्को डबल ही है क्यों कर रही थी. हां ऐसा था इसका. सो आई गॉट दिस. यस यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच. सो नाउ द स्कोर इज 3 ईच. मुझे एक्चुअली इसका एग्जैक्ट स्टेप नहीं आता था पर मैंने जितने मुझे गरबा के स्टेप्स आते थे मैंने सारे कर दिए. ये तो गलत है, ये तो फिर है नहीं. क्यों यही था बस उसका. सो नाउ द स्कोर इज 4-3. ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग. यार बहुत स्लो हो रहा है, रिफ्लेक्स बहुत स्लो काम कर रहे हैं, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा यार. So I got this point. Yay. Moving on to the next song. ऐसा कर सकते थे. नहीं मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता. वो तो ट्रेन के ऊपर होता है, ट्रेन नहीं है यहाँ पे. Oh! ऐसा something है. हाँ ये. नहीं. करके दिखाना था. मैंने करके दिखाया ना, पर नीचे गिरी था. मैं करके दिखा, मैं नीचे ले आती हूँ कैमरा. ओके आई विल ट्राई. जो होता नहीं पर आई विल ट्राई. समथिंग ओके बस यार बहुत बेस्ती हो गई. चल आई न्यू द स्टेप. मैंने बस सेस करने थोड़ा टाइम लग गया कि मुझे ये इधर उधर करना था. दैट्स ऑल द गेम अबाउट ब्रो.
फिर भी आई एम लीडिंग विद वन पॉइंट ओके एनीवे तूने बैकअप किया ना तो मैं भी कर सकती हूँ फिर वील सी या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सो गाइस हमारे एक्सपर्ट रिव्यू ने चेक किया इसका हुकअप स्टेप जो ये गलत है क्योंकि ये वाला व्हाट इज मोबाइल नंबर का है तो आई थॉट दिस इज सो एप्रोप्रिएट मतलब ये ले ले एप्रोप्रिएट देखना था हुक स्टेप देखना था एप्रोप्रिएट तो बहुत भी हो सकता है मैंने एक्चुअली इसकी म्यूजिक वीडियो नहीं देखी थी तो मैंने जस्ट ऐसे तो कहीं मार गया पर कोई बात नहीं फिर भी मैं एक पॉइंट से आगे ही हूँ नल एंड वॉइड ओके सो मूव ऑन टू नेक्स्ट ना कोई मंजर है ना कोई साथी है मुझे पता था इसका यार बट सो दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग तो इसका तो मुझे पता चल गया था जैसे ही बजा ना मैंने तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ चलने लग गए सो आई गॉट दिस पॉइंट सो लेट्स नेक्स्ट सॉन्ग मैंने पहले किया था नहीं मैंने पहले हाथ ऊपर तो इसको हम रीप्ले करके देखते हैं कि किसने सबसे पहले किया था एक्शन रिप्ले के बाद पता चला है कि हम दोनों ने सेम टाइम पे हाथ ऊपर उठाया था तो दोनों को पॉइंट्स मिल जाते हैं सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग मुझे कहा कि नहीं यार हुक स्टेप नहीं करते मुझे तो कोई हुक स्टेप आता ही नहीं है सो आई टोल्ड यू जैसे कि चने के खेत में तो क्या करेगी यही करेगी ना यही गाना आ गया एंड दैट्स कॉल्ड फिर भी नहीं पता चला तुझे को तुझे तो यार पहले उसने बोला वो नहीं आ रहा था ना मुझे जब वो वर्ड बोला उसने इसको बताया भी था फिर भी नहीं गेस कर पाई एंड मूविंग ऑन लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस चैलेंज ऑब्वियसली मैं ही जीत गई हूँ लेकिन फिर भी मजे के लिए लेट्स कीप इट लाइक दैट इफ शी गेट्स दिस सॉन्ग शी गेट्स 2 पॉइंट्स ओह वाओ ओके ओके गुड बार्गेन सो लेट्स डू द लास्ट हुक सेट So after seeing it through the eyes of Third Empire, मेरा मतलब ज़्यादा close था कि ये पता नहीं क्या कर रही है पर फिर भी क्योंकि step ये था so she gets the point मैंने ये कर दिया so she doesn't get the point so as we have lost the track of the scores let's keep this as a tiebreaker जो actual scores होंगे वो आपको screen पे दिख जाएंगे हाँ वो editing की बात डालेंगे हम but हमें क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है इसमें तो हम एक last tiebreaker round रख लेते हैं And promise this would be the last one. यार ये क्या हो जाता है इतना अभी इसी गाने के बारे में डिस्कस करके भी गैस नहीं कर पाई अरे ये करती हूँ ये तो जुम्मा है ये तो जुम्मा देते सो यार इतनी चीटिंग करवा के इसको जिताने की कोशिश करने के बाद भी मैं जीत गई हूँ सो इट्स वेरी क्लियर दैट आई एम द क्लियर विजेता ऑफ दिस चैलेंज एनीवे व्हाटएवर हैपेंस मजा तो बहुत आया क्योंकि या वी रियली 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 एंजॉयड एंड इफ यू गाइस आल्सो एंजॉयड अलोंग विद अस और आपको लगता है कि आपको ये गेम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी खेलनी चाहिए जस्ट टू हैव सम एक्स्ट्रा फन Don't forget to like this video, share it with your friends, and of course, subscribe to our channel. Guys, please subscribe to the channel so that we hit our target of 1K subscribers. But koi baat nahi, we'll keep on working hard and aapko aise entertain karte rahenge. And of course, if you want to know us more, you can follow us on our Instagram. And if you have some more suggestions for us, ki hame kaun si videos karni chahiye, you can tell us in the comment section below or DM us on our Instagram. Yes guys, so we'll meet in the next video. Tab tak ke liye, bye-bye.